वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन एंड थैंक्स फॉर ग्लैम गैस। और यहाँ पर होते हैं मज़े मज़े के खाने, और स्पेशली तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस और वो जो आगे बढ़ के कुछ करके दिखाना चाहती हैं, कुकिंग में आगे आना चाहती हैं, तो इसी तरह हमारे आज एक गेस्ट आई हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, शेफ हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। नंबर है 03158248704। इसी तरह सादिया रियाज को भी मैंने एज ए गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सादिया जी? शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, आज क्या डिश बन रही है, उसका नाम क्या जी? इसका नाम है क्रिस्पी अनियन पोटैटो। ठीक है, ये बड़ी क्रिस्पी होती है, और इसमें ये कि जितने पोटैटो होते हैं ना, उतनी ही अनियन भी होती है। चले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, इसमें क्या क्या डल रहा है वो बताइए जी, जी, जी। इसमें ये है पोटैटो है, आपने जितने पोटैटो लेने हैं उतनी ही आपने अनियन लेनी है। ठीक है, जितना आपने आलू जैसे जितने भी आपने इसके स्लाइस बनाए हुए जी, उतना ही प्याज उतनी क्वान्टिटी में लेना है। अच्छा, मजीद इसमें क्या क्या डल रहा है? इसमें मजीद जीरा पड़ेगा, ओके, नमक हसबे जरूरत, और साबुत गोल मिर्च भी हसबे जरूरत। मतलब आप जी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी अच्छी, बहुत मजे की नाश्ते के लिए तो बहुत अच्छी है, सुबह के नाश्ते के लिए पराठों के साथ। चलिए जी सादिया जी, हम सबसे पहले इसके अंदर इन्होंने पहले से ऑयल जरा टाइम बचा दिया गर्म कर, मैंने पहले से ऑयल जो है वो रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल, अच्छा ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है जी, क्योंकि वो फिर हम निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ये क्रिस्पी होती है ना खूब, तो ये उसके बाद अगर जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े ग्रेट हो। चलिए सबसे पहले, सबसे पहले इसमें हम प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्याज ऐड कर ली, थोड़ा हमने घी जब भी कर लिया, तो देखिए आवाज आ रही है ना जी जी। यस, हमने नाजी, हमने पहले से थोड़ा ऑयल वो सही किया ना, ताकि ऑयल जो होता है वो गर्म हो जाता है। अब ये मैं पहली बार, अब देखिए इन्होंने इनकी डिश कितनी यूनिक है। अब आप जब खाएंगी तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। क्यों नहीं खाऊंगी मैं, वही तो कह रही हूं, बहुत लजीज लगेगी, टेस्टी लगेगी, हम तो खाएंगे जी। नाजीन, ये बच्चे भी और बड़े शौक से खाते हैं जी, क्योंकि आलू ऐसी चीज है ना कि हर कोई शौक से खाता है, अंडे और आलू इस तरह की चीजें सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में सही रहती है। और इसको हम कितनी देर में, इसको बस ये इतना करना है कि इसको ब्राउन करना है, ब्राउन करने जी। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें साबुत गोल मिर्च भी साथ ही जाएगी इसी के ना, तो डाले ना जी। मैं डाल, मुझे डर लगता है, ये इन्होंने मेरी बहन सादिया रियाज ने साबुत मिर्च डालना शुरू कर दी है। ये फटेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होती है, ये इसी में क्रिस्पी हो जाएंगी। ओके, वैसे एक बात, साबुत मिर्च और कड़ी पत्ते की खुशबू जी जी बड़ी जबरदस्त होती है, तो डाला क्यों? लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कड़ी पत्ते की, इसमें सिर्फ यही चीजें जाएंगी और कोई चीजें नहीं जाएंगी इसके अंदर। तो मुझे मना करें, क्यों नहीं डाला कड़ी पत्ता? अल्लाह, अच्छा जीरा भी इसमें ऐड होगा जी? वो सब आलू के साथ, पोटैटो के साथ हम जीरे को डालेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इसको ऑयल में ना फ्राई करना है। अच्छा, मैं इसको कितनी देर लगेगी? बस अब ये है कि मैक्सिमम 2-3 मिनट। हम लोग चलते हैं अपने हकीम साहब के पास जी जी। अच्छा रजा साहब, हकीम रजा इलाही साहब, प्लीज आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज के बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू, और बड़े लोगों के लिए हम कहते हैं ये बादी है। यार ये कॉन्सेप्ट क्या है डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे। नहीं, असल में बादी नहीं है, बादी इसलिए है कि आप सिर्फ आलू खा रहे हैं तो भारी लगेगा, जिन लोगों को फैटी लीवर वगैरह है। लेकिन अगर खाएं इसको आप, इसमें जरा मेथी है जैसे अभी बना रही हैं, ये जीरा इसके अंदर है, ठीक है ना, तो जीरा और ऑनियन जो है वो इसकी इस्लाह कर देते हैं। जीरा अगर और मेथी अगर, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं आलू के साथ, तो फिर आलू जो है वो कमाल कर देता है जी। क्या अच्छा, एक और चीज़ है जैसे प्याज की, मैं जैसे क्योंकि अभी ब्राउन भी हो रहा है, तो साथ साथ गुफ्तगू आपसे मैं इसलिए करना चाह रही हूँ कि प्याज की बहुत अफादियत हो गई है। पहले हम लोग एक नॉर्मल हम खाने में यूज करते थे, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे हर्बलिस्ट भी प्याज को बहुत ज्यादा जो है ना, वो उसकी कुछ ना कुछ होम रेमेडीज प्रेजेंट हो रही है, जैसे जड़ों में लगाना, बालों हेयर ऑयल है, शैम्पू है, सिर्फ और प्याज के हैं जी, जबकि इसकी कितनी स्मेल है। हाँ, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अफादियत बहुत अच्छी है इसकी। और ये जो मौसम है ना मूनसून का, इसमें जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, प्याज और शक्कर और साथ में देसी घी, अच्छा ये मिक्स करके वो खसूसन इस मौसम में इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हम लोग जैसे आज टॉपिक है डायरिया और उसके लिए, तो कहते हैं दिन में प्याज इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, उसको ज्यादा धोना नहीं चाहिए, कुछ लोग नमक डाल के उसके सारा तो वो निकाल देते, तो कहते हैं कि इस मौसम में प्याज ज्यादा, ऐसा है कि नहीं? नहीं, एक बार धो लें
तेजी खत्म हो जाती है। बाज जैसे पेशेंट है जिनको एच पाइलोरी है या जिनको जो है उबलिक अल्सर है, जैसे मुंह में दाने वगैरह बनते रहते हैं, उनके लिए ये बेहतर है कि उसे एक दो दफा धो लें, तेजी खत्म हो जाती है उसकी। फिर उसके ऊपर हल्का सा लीमू दे दें आप, साथ में खीरा काट लें, तो वो बेहतरीन कम्बिनेशन है, वो बेहतरीन रहता है सेहत के एतबार से भी। और खसूसन जो है प्याज जो है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपका जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी हैं। वो कैसे? हाँ, एनर्जी लेवल के दर्द के लिए कैसे? हाँ, एनर्जी लेवल इससे बहुत अच्छा रहता है। ओके। तो ये जोड़ों के दर्द के हवाले से ये कि ये बादी जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं री और बादी, प्याज उसको खत्म करता है। अच्छा अच्छा, ये जो सब्जियां या तरकारियां वगैरह बनाते हैं ना, इनके अंदर ये देखे मसाले क्या चीजें हैं, जिसमें लहसुन है, प्याज है, अदरक है, और फिर हल्दी है। ये जो जितनी चीजें हैं ये बेसिकली कम्बिनेशन है, इनकी अफादियत है। हर्ब ही है, देखा जाए तो हर्ब है, और ये जो चीज पका रहे होते हैं आप उसकी अफादियत को बढ़ा देती है। क्या बात है। और उसके जिमनी असरात को खत्म करती है। अच्छा, प्याज से मैं बात कर रही थी तो हरा प्याज कहते हैं, मैंने चाइनीज को भी प्रोग्राम्स वगैरह में, इनके क्लब्स देखती हूँ, तो हरा प्याज का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उससे ज्यादा बिल्कुल फायदेमंद होता है, बेहतरीन है हरा प्याज। इसके इस्तेमाल करने से खुसन जो एनर्जी जो लो हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, एनर्जी लेने अच्छा, सुन अच्छा मैंने ये जिस तरह हरा प्याज की जो ग्रीन ग्रीन उसे कुछ पुंके कहते हैं, कुछ ग्रीन पत्ते कहते हैं, इसी तरह हमारे पास जो है लहसुन का भी जो है वो ग्रीन वो है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा वापस आते हैं। दो मिनट के बाद ब्रेक है। ओके, हम दो मिनट के बाद ब्रेक लेंगे और फिर हम चलते हैं। कितनी देर लगेगी चंदा इसको? दस मिनट ऑलमोस्ट, क्योंकि बस ये मुझे क्रिस्पी चाहिए। क्रिस्पी, अच्छा जरा मैं समझ गई, जब इसका नाम है अनियन क्रिस्पी पोटैटो। नहीं नहीं नहीं, करें करें, हम लोग बात करें जब तक मैं, अच्छा मैं ये पूछ रही थी, कुछ लोग घर में ना, बल्कि नाज़रीन आप लोग घर में भी लगा सकते हैं लहसुन जो है वो, अगर आप घर पे लगाएं तो उसकी हरी हरी बहुत जल्दी निकल आता है, प्याज निकल आता है, प्याज लहसुन धनिया पुदीना, धनिया सूखा धनिया आप अपने घर में डाल दें, वो उसमें गमलों में उसमें भी धनिया उग जाता है। तो घर में छोटी मोटी चीजें जो ये जो मौसम है इसमें तो फटाफट उगता है बहुत, ये बारिशों के बाद। हाँ, ये बारिशों का मौसम है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत जल्दी उगता है। मुझे एक और चीज बताएं, मैं अभी आपसे बात करूंगी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले सवाल एक करती जाऊं कि मुंह से एक स्मेल आती है जो मैदे में तेजाबियत या किसी रीजन की वजह से होती है, उसका आंसर देना आपने। राजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाने, यानी कि ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन और मेरे साथ है शेफ सादिया रियाज। और हमने जो एक ऑफकोर्स जाने से पहले आपको बता चुके हैं, क्रिस्पी अनियन पोटैटो बन रहे और इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले प्याज बिल्कुल ब्राउन करनी थी, नमक नहीं डाला था, वो नमक भी डाला है इसलिए कि उससे क्रिस्पी आएगा, प्याज में जो क्रिस्पीपन आता है वो इस नमक से आएगा। क्या बात है, हम इसको दिखा भी दे नाज़रीन, ये देखें जी, ये अभी जरा ठंडा हो जाएगा तो ये बड़ी ये क्रिस्पी, इसको हम चूरा करेंगे जब ठंडा हो जाएगा ना। चलिए हम इसमें जीरा हटा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज हो जाता है ना, वाह टेस्ट के अकॉर्डिंग है, बराबर वाला चूल्हा हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं जी जी सही है, ताकि इजी हो जाए, तेज हो जाता है। ठीक है ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो। अच्छा साथ एक और भी बात बता रही थी कि कभी भी फ्लेम ज्यादा हार्श ना करें ब्राउन प्याज करने के लिए, नॉर्मल फ्लेम पे मुस्तक के लिए उन्होंने चम्मच चलाई है, रोकी नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लैक नहीं हो, वरना प्याज जो है वो लोग ऐसे डालो ब्लैक हो जाती है, ये इन्होंने मुझे ब्रेक में। और जीरा भी ये है कि अगर आप इसको हटा देना क्योंकि जलने का खतरा होता है, तेज आंच में कड़वा जल जाएगा, कड़वा हो जाए, इसलिए मैंने देखिए हटा दिया था। गुड है जी, गुड है, ये इन्होंने भी बाउल से जो आलू कतलियां काटी हुई थी अब उसमें डल गई है, अब हम अपनी जगह पे आ गए। यस, अभी हम इसको इसमें थोड़ा, अच्छा इसमें अगर ऑयल आपको ज्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं। हाँ, इन्होंने थोड़ा ऑयल ये रहा, ये तो इन्होंने निकाल, निकाल लिया क्योंकि हमने प्याज तो ऑफ कोर्स डीप फ्राई में ही होता है, तो बाकी इन्होंने ऑयल निकाल लिया, आप करनी हमने डाल दे दीजिएगा तो मैं इसको। अच्छा कितनी देर इसको लगे? ये इसमें 10 मिनट ये आलू गल जाए। ठीक है ठीक। अच्छा उसके बाद क्या होगा इसके? उसके बाद जब ये आलू गलेंगे तो हम इसको ना क्रिस्पी कर लेंगे प्याज को हाथ से, जी जी, और फिर इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये डिश रेडी करें
और हम लोग जो है ना सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आखिर में इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। नाज़रीन ने पूरा क्लियर बता दिया, इसको भी 10 से 15 मिनट बहुत कम चीजें इसमें देंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, प्याज जाएगी, जीरा जाएगा, आलू, नमक और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप जब खाएंगी ना तो इतने अच्छा टेस्ट लगता है पराठों के साथ, रोटी के साथ, मतलब बहुत जबरदस्त टेस्ट। ये तो मैं खाने के बाद बताऊंगी। और आप लोगों ने घर में ट्राई करने की बहुत यूनिक सी डिश लगी है और कम चीजों में लगी है। साथियों थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई एज अ गेस्ट, थैंक यू जी। नाज़रीन हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।